हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टडी में हम डिस्कस करेंगे स्टेटिक। मैंने बहुत सारे कमेंट रीड किए हैं जिसमें मुझे बहुत बार बोला गया सर आईएमपी क्वेश्चन भी बताया कीजिए, जिससे उस चैप्टर में अगर वो क्वेश्चन हम सॉल्व करें तो पूरा चैप्टर कंप्लीट समझ में आ जाए। तो चलिए आज मैं इसी तरह की कुछ बात करने वाला हूं। मैं आज आपको आईएमपी क्वेश्चन नहीं बल्कि आईएमपी एग्जांपल इलस्ट्रेशन बताने वाला, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे बल्कि इलस्ट्रेशन जो रहेंगे ऑलरेडी ऑटोमेटिक सॉल्व है, जो आप खुद समझ के भी कर सकते हो, वरना ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड की है हर एक मेथड को समझाने के लिए, वो चेकआउट कीजिएगा। चलिए तो वीडियो लास्ट तक देखना है, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर तो कीजिएगा ही। तो चलिए बात करते हैं, डिस्कस करेंगे। मैं आईएमपी हर एक चैप्टर की बताने वाला हूं कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे बल्कि एग्जांपल सॉल्व करेंगे, जिससे पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा हर एक मेथड के लिए मैं बताने वाला हूं। तो देख लीजिए ये आपका सिलेबस है, ये गुजरात यूनिवर्सिटी के चार चैप्टर है। आई थिंक अलग यूनिवर्सिटी के थोड़े अलग हो सकते हैं, बट मैचअप कीजिएगा, अगर जो चैप्टर मैचअप होते हैं उसमें आप आईएमपी देख लीजिएगा, दोनों मीडियम के लिए हेल्पफुल रहेगा। एग्जांपल है इलस्ट्रेशन है जिसमें आपको बताऊंगा कि ये एग्जांपल आपको करने चाहिए सॉल्व, ठीक है। तो चलिए पहले चैप्टर की बात करते हैं। तो पहले चैप्टर में आपको पता है चार टाइप के सम्स होते हैं, जिसमें से पहला टाइप का जो सम्स होता है तो थोड़ा स्पेशली डिस्कस कर लेता हूं, जो मध्य का आता है मीन का, सिंगल मीन वाला, बराबर है, जिसमें एक मीन होता है और एक क्या होता है हमारा मतलब एक्स बार और एक म्यू होता है, उसके लिए आपको कौन सा इलस्ट्रेशन सॉल्व करना चाहिए, नंबर टू। कौन सा सॉल्व करेंगे, नंबर टू। चलिए आगे बढ़ता हूं, नंबर टू के साथ नंबर थ्री भी सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे आपको कंप्लीट ये मेथड आपको समझ में आई जाएगी। अगर आपने नहीं समझा अभी तो उसकी वीडियो की लिंक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो चेक जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद मैं बात करता हूं सेकंड मेथड, जो बे मंथक वाली है टू मीन वाली, उसके लिए कौन सा इलस्ट्रेशन सॉल्व करना चाहिए, उसके लिए नंबर फाइव। कौन सा सॉल्व करेंगे, नंबर फाइव सॉल्व करेंगे। अब आता है उसके बाद थर्ड टाइप का जो सम्स आता है प्रमाण वाला, ठीक है। तो प्रमाण वाले के लिए आपको सॉल्व करना है इलस्ट्रेशन नंबर नाइन, उदाहरण नंबर नौ सॉल्व करना रहेगा, नौ, ठीक है। अब दो प्रमाण का आता है टू प्रोपोर्शन, तो उसके लिए आपको सॉल्व करना चाहिए नंबर इलेवन, ओके। और ये चैप्टर हो गया कवर, चार टाइप के सम्स है, चारों के लिए मैंने एग्जांपल बताया, आप चेक कीजिएगा सॉल्व कीजिएगा, आपको आई होप समझ में आएगा। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल के बाद उसके एक्सरसाइज के सम भी सॉल्व कीजिएगा, जिससे और ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। चलिए बात करता हूँ चैप्टर नंबर टू पे आता हूं मैं, जो चैप्टर नंबर टू है जिसका नाम है निर्णय सिद्धांत डिसीजन थियरी। तो चलिए इसकी भी मेथड और इस मेथड पे आने वाले जो मोस्ट आईएमपी इलस्ट्रेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो फर्स्ट जो हमको चार टाइप के जो हमको प्रिंसिपल होते हैं सिद्धांत, उसको समझने के लिए आपको करना चाहिए नंबर वन इलस्ट्रेशन, नंबर वन सॉल्व कीजिएगा, कंप्लीट समझ में आ जाएगा। अगर आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया, समझ में नहीं आता है, तो आप इसका भी वीडियो चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसके बाद जो सेकंड टाइप का सम्स आता है ईएमवी, तो ईएमवी के लिए आपको सॉल्व करना है नंबर टू। ये से के ऐसा सम्स एग्जाम में पूछा जाता है मोस्ट ऑफ टाइम, तो यही वैल्यू के साथ पूछा जाता है, जो एग्जाम्पल होते हैं उन्हीं की वैल्यू के साथ पूछा जाता है, क्योंकि बहुत से लोग एग्जाम्पल करते नहीं है इसके लिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, उसके बाद आता है हमारा जो मार्केट पे डिमांड वाला टॉपिक आता है, जो मांग वाला टॉपिक, उसके लिए आपको एग्जांपल नंबर फोर करना चाहिए। और उसके बाद आता है ईवीपीए, तो ईवीपीए के लिए एग्जांपल नंबर फाइव, और ये चैप्टर की सारी मेथड आपको समझ में आ जाएगी। और ये सम्स बहुत खास है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सम्स एग्जाम में आए हुए है, ओके, मैंने ऑब्जर्वेशन करके देखे। अब आप बात करता हूं चैप्टर नंबर थ्री की, तो चैप्टर नंबर थ्री के अंदर जिस चैप्टर का नाम है रम्मतनो सिद्धांत गेम थियरी, तो इसके लिए आपको जो फर्स्ट मेथड है स्पष्ट वाली प्योर वाली, तो उसके लिए आपको करना चाहिए इलस्ट्रेशन नंबर वन करना है। उसके बाद अगर कोई सम्स करना है जहां पर एक्स की मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती है, तो उसके लिए इलस्ट्रेशन नंबर थ्री कीजिएगा। ये सम्स इंटरनल एग्जाम में चेक कीजिए, बहुत से कॉलेज में ये सम्स पूछे गए हैं, ठीक है। अब उसके बाद मिश्र वाला आता है, मिक्स वाला, तो उसके लिए जो आपको सम्स करना है वो एग्जांपल नंबर फाइव है, जिसमें आपको रो कॉलम कैसे रिमूव करना है, बल्कि बहुत सो में ये की वैल्यू के साथ पूछा हुआ सम्स, चेक कीजिए। मैं जो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके एग्जाम में ये सम्स आया था क्या, इंटरनल एग्जाम अगर दे रहे हो तो बताइएगा जरूर। और अगर सिंपल करना है, जो डायरेक्ट आप वैल्यू आपको रो कॉलम कट ना करना, तो आपके लिए एग्जाम्पल फोर कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया चैप्टर आपका कंप्लीट, इतना सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा पूरा चैप्टर। मैं चाहूंगा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, और मुझे कमेंट करके बताइए कि इसी तरह आपको आईएमपी सम्स बताया जाए तो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। चैप्टर नंबर फोर की बात करता हूँ, सैनिक नु बीज गणित मैट्रिक्स अलजेब्रा, इसमें बहुत टाइप के सम्स है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि कुछ टाइप के सम्स गिनेंगे ना, मैं अभी एग्जाम्पल बताऊंगा तो चैप्टर आपको समझ में तो आ ही जाएगा। तो पहला बात करता हूँ जिस टाइप के सम्स एग्जाम में पूछने का चांसेस है, एग्जाम्पल नंबर टू, एग्जाम्पल नंबर टू सॉल्व करना रहेगा। उसके बाद आपको जो मल्टीप्लीकेशन के रूल के लिए आप सॉल्व कर सकते हो एग्जाम्पल फाइव या तो एग्जाम्पल नंबर सेवन,
ठीक है, पर मैं चाहूंगा एग्जाम्पल 5 सॉल्व कर लीजिए तो भी कोई चांस कोई टेंशन की बात नहीं, एग्जाम्पल 7 करें तो टफ पड़ जाएगा, माइनस साइन के साथ कैसे करना है मल्टीप्लिकेशन, उसके लिए एग्जाम्पल नंबर 7 कीजिए, लेकिन जिसको समझ में कुछ नहीं आता तो पहले एग्जाम्पल 5 कीजिएगा, अगर फिर भी नहीं आता है तो उसका वीडियो की लिंक तो आपको मिल ही जाएगी तो चेक कीजिएगा। और उसके बाद आपको जो करना है ये मैंने एग्जाम्पल बताया, उसके बाद आपको डायरेक्ट मेन टॉपिक में आना है जो एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ जो इनवर्स मेथड है व्यस्त श्रेणी, उसके लिए आपको एग्जाम्पल नंबर 18 करना है, व्यस्त श्रेणी इनवर्स मैट्रिक्स के लिए एग्जाम्पल नंबर 18 करना रहेगा। और जो मल्टीप्लाई के रूल्स के लिए अप्लाई किया जाता है, जो प्रूफ करना रहता है जिसमें बहुत सारा इक्वेशन ऐड होता है, तो उसके लिए एग्जाम्पल नंबर 19 इतना ही सॉल्व करना है, ठीक है। ये माइनस इनवर्स शायद पूछा जाता है बट इतना तो डेफिनेटली पूछा जाता है, बस यही एग्जाम्पल है चैप्टर नंबर 4 के लिए, और यहाँ चैप्टर 4 भी क्या होता है कंप्लीट होता है। ये मैंने सारे बताए हैं एग्जाम्पल जिसमें सारे मेथड को कवर कर लिया गया है, ठीक है। अगर वो सॉल्व करेंगे तो आई थिंक चैप्टर कवर हो जाएगा, बट ये नहीं कि आप यही सॉल्व कीजिएगा, मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अगर वो एग्जाम्पल आप गिनते हो तो आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा, इसके अलावा आपको प्रैक्टिस तो करनी रहेगी, ठीक है। तो आई होप आपके लिए आज का ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि रियल में इस तरह के आईएमपी क्वेश्चन दिए जाएंगे तो क्या आपके लिए हेल्प रहेगी, शॉर्ट टाइम में ज्यादा मार्क कवर करने के लिए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ही, बट मैं चाहूंगा आप मोस्ट ऑफ टाइम ज्यादा से ज्यादा सम्स सॉल्व कीजिए क्योंकि प्रैक्टिकल सम्स की बात है, ठीक है। थियोरिकल भी मैं आगे आने वाले वीडियो में जरूर इसकी डिस्कस करूंगा। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इसे लाइक करना है, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात की देर है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। कोई क्वेरी रहेगी मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहते हो वो भी मुझे लिख के बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।